एक दिन इस्कॉन टेम्पल में शास्त्री गोविंदनाथ जी राधा कृष्ण का एक किस्सा सुना रहे थे। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना राधा करती है, फिर क्यों सिर्फ राधा ही आपके हृदय में रहती है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम्हारे प्रेम के प्रति कोई संदेह नहीं है रुक्मणी, और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो प्रेम राधा से होकर ही तुम तक पहुंचता है, क्योंकि राधा ही मेरा हृदय है, राधा ही प्रेम है। मगर रुक्मणी को कृष्ण के जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने फिर से कृष्ण से प्रश्न किया, यही तो जानना है मुझे कि राधा का प्रेम आखिर है क्या? ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ समय दो। कुछ दिनों पश्चात कृष्ण के पेट में बहुत जोरों का दर्द उठा। रुक्मणी सहित उनकी बाकी पत्नियों ने सब उपचार करके देख लिए, मगर कृष्ण को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तब रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, आप ही बताइए, हम सब कैसे आपके इस रोग को ठीक कर सकते हैं? इसकी सिर्फ एक ही औषधि है, मुझे अपने किसी भक्त का चरणामृत पीना होगा, तभी मुझे इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर रुक्मणी की चिंता और बढ़ गई। भला कृष्ण का कोई भक्त कृष्ण को अपना चरणामृत देकर पाप का भागी क्यों बनेगा? स्वयं रुक्मणी और कृष्ण की बाकी की पत्नियां ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब चरणामृत के लिए नगर नगर और गांव गांव मुनादी करवाई गई, मगर कोई भक्त इसके लिए सामने नहीं आया। कुछ समय पश्चात ये खबर बरसाने तक भी पहुंची। राधा ने कृष्ण की पीड़ा के बारे में सुनते ही अपना चरणामृत बनाकर कृष्ण के पास भिजवा दिया। ये देखकर राधा की सखियों ने उससे पूछा, राधा, ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा? इसके लिए शायद तुम्हें जन्मों तक नरक की आग में जलना पड़े। कृष्ण के लिए मैं एक जन्म तो क्या, अपना हर एक जन्म न्योछावर कर सकती हूँ। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी पीड़ा आप देख ही नहीं सकते। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण के दर्द की औषधि बनी। उधर जब रुक्मणी चरणामृत लेकर कृष्ण के पास गई, तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया राधा का भेजा हुआ चरणामृत। कृष्ण के इतना कहते ही रुक्मणी समझ गई कि ये सब कृष्ण की ही लीला थी, उन्हें राधा का प्रेम समझाने की। उन्हें हैरानी में देखकर कृष्ण बोले, ये है राधा का प्रेम रुक्मणी, भक्ति और समर्पण का संगम, मैं पहले से ही जानता था। शास्त्री जी कृष्ण के भक्तों को ये कहानी सुनाकर जैसे ही मंच से नीचे उतरे, प्रिया नाम की लड़की ने उन्हें पीछे से पुकारा, सुनिए शास्त्री जी। कही, अभी आपने जो कहानी सुनाई उसके अंत में आपने कहा कि राधा का प्रेम भक्ति और समर्पण का संगम था, लेकिन क्या किसी के प्रेम में अपनी पहचान भुला देना उचित है? जब तक मैं की बेड़ियां नहीं टूटेंगी तब तक प्रेम कैसे होगा? प्रेम मैं और तुम में नहीं होता, प्रेम हम में होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, राधा कृष्ण के बिना कुछ नहीं थी। कृष्ण भी तो राधा के बिना कुछ नहीं थे, एक दूसरे के पूरक बन जाना ही प्रेम है। आप यहाँ भक्ति की भी बात कर रहे हैं, एक स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम एक भक्ति नहीं होता। प्रेम जब विकसित हो जाता है तब भक्ति का रूप ले लेता है। भक्ति है क्या? किसी विशेष के प्रति पूर्ण समर्पण।
शास्त्री जी का जवाब सुनकर प्रिया कुछ क्षण के लिए मौन हो गई और फिर बोली, राधा को लेकर मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनका जवाब जानने से पहले मैं आपसे राधा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उनके बारे में सब बताएंगे? अवश्य, हमारा तो कार्य ही यही है। कल सुबह आ जाना, हम राधा के जन्म से शुरुआत करेंगे। सीता और द्रौपदी की तरह राधा ने भी गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उनके जन्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए सुने।